वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर की एक रेसिपी, जो कि मैंने पहले भी डाली हुई है, लेकिन ये मैंने जो है कोड जो है इसका मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से बनाने के लिए। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी किचन की तरफ। तो भाई सर्दियों का मौसम है, मटर की कचौरी नहीं बनाई तो फिर मटर बुरा मान जाएगी ना। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटर से एकदम खस्ता कचौरी। ये है मटर जो कि नॉर्मल मटर है, उसको मैंने वॉश करके और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी, हल्का सा पल्स मोड में मैं चढ़ाऊंगी। और ये मैदा और ये है हमारा आटा। हम रोटी आप आटे की भी बना सकते हैं और मैदा की भी बना सकते हैं। और ये है जौ का आटा। जौ का आटा हर एक के घर में नहीं होता, लेकिन मैं यूज करती हूँ इसलिए मैं डाल रही हूँ। इसको आप स्किप कर सकते हैं, बट ये आटा और मैदा तो होती है। और ये सूजी है। और थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पे सॉल्ट और बस थोड़ा सा मोन के लिए हम डालते हैं यहाँ पे ऑयल, करीब 2 चम्मच है। अब हम इसको हल्के गर्म पानी से इसको गूंथ लेंगे एक डो लगा। और लीजिए गर्मा गर्म कचौरी बनके हमारी रेडी। और कचौरी हो और चाय ना हो तो वो भी तो बुरा मान जाएगी, ये भी तो ख्याल रखना है हमने। तो लीजिए चाय भी हमने बना ली है गर्मा गर्म और चटनी, और ऊपर ये मिर्च के साथ सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी है। तो खाओ पियो मौज करो। बस मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।